Telepass brings to you some exciting updates on the show Kasam Tere Pyar Ki. In the upcoming episode, we will see that Tanu's dress catches fire. Rishi comes and saves her at the nick of the time. Check out this exclusive interview of Rishi and let us see what he has to say about it. Rishi, jitna aap is serial mein chilla rahe hain, gussa kar rahe hain, main kya se itna gussa to aapne shayad real life mein bhi nahi kiya hoga. Nahi, main real life mein bahut hi shant insaan hoon. Aur matlab gussa aata hai definitely, but I think is show mein jitna main chilaya hoon, इट्स क्वाइट अनरियल बिकॉज बहुत ज़्यादा चला हूँ. बट उसके रीज़न भी ऑब्वियसली बहुत ही, देखिए एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं और बहुत नेचुरल इमोशंस हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसे चीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप जिसे प्यार करते हैं आप उसे बार बार बोलेंगे कि यू नो वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, और यू नो प्लीज़ आप देखिए जो सब देख पा रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं. तो बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो झल्ला वो दैट इरिटेशन विल कम आउट, दैट फ्रस्ट्रेशन विल कम आउट. तो बस वही था. अभी एक सीन हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा एक ड्रामा हुआ जहाँ तन्वी को के दुपट्टे में आग लगी और ऋषि ने उसकी जान बचाई. उसके बावजूद भी तन्वी कहीं ना कहीं मानती है कि पवन इज़ अ नाइस गाय, पवन बिल्कुल सही है, पवन बिल्कुल सच्चा है, पवन और सलोनी के बीच में कुछ नहीं है. आई थिंक इतना कुछ होने के बाद इवन दी ऑडियंस कहीं ना कहीं जानती है, समझती है कि डेफिनेटली पवन और सलोनी के बीच में कुछ तो है, बट तन्वी नहीं मान पा रही है. तो आई थिंक उसे एक तरह से कन्विंस करने के चक्कर में ऋषि को इतना चलाना पड़ा. ऋषि को ना गुस्से से मान रही ना प्यार से, आपने बहुत ही प्यार से उनके जख्मों पर मरहम बनी कोशिश. मैंने हाँ आई थिंक शुरू में मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो है उसे डेफिनेटली मैं प्यार से समझाऊँ, लेकिन जब ऑब्वियसली जब उसने कहा कि पवन से मेरी शादी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो एक अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल था, जो एक गुस्सा था, वो बाहर निकल आया. तो फिर अभी आप गुस्से से ही मनाने की कोशिश करेंगे या प्यार से? देखिए प्यार है बहुत ज़्यादा, इसलिए गुस्सा है, और जहाँ गुस्सा होता है वहाँ प्यार होता है, एंड वाइस वर्सा. कि आप इंसान से बहुत प्यार करते हैं, उसकी कदर करते हैं आप, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है जब वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है उसकी भलाई के लिए. सो कोशिश तो रहेगी हमेशा कि प्यार से ही समझाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है. बिकॉज 7 दिन बाद उसकी शादी है तन्वी की पवन के साथ, एंड ऋषि इज़ वेरी हेल्पलेस एट द मोमेंट. वो बार बार कहकर थक चुका है कि पवन इज़ नॉट अ नाइस गाय, इज़ नॉट अ नाइस गाय, बट तन्वी नहीं सुन रही है. तो कहीं ना कहीं तो आई थिंक आई एम श्योर भूकंप फटेगा. थैंक यू. सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? Share your thoughts in our comment section below and let us know. Hit the like button for Kasam Tere Pyar Ki and subscribe to Telebus for more daily television updates.